गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल दिल्ली का दर्पण। तो भाई लोग, पहले तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो पिछला साल सब ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं, बट यू नो, बट स्टिल वी हैवंट वॉन द बैटल। यू नो कोविड अभी भी है, तो यार प्रिकॉशंस रखो, मास्क पहनो और यू नो दो गज की दूरी बनाए रखो। बट वी हैव टू फॉरगेट द पास्ट एंड यू नो स्टार्ट समथिंग फ्रेश। तो वेलकम टू 2022 विद मी दर्पण फ्रॉम गोवा। तो मेरे साथ बने रहो, आज आपको मैं दिखाऊंगा गोवा अपने लेंस के थ्रू। ओके तो चलो, और यार लाइक सब्सक्राइब कर दो, की फर्क पैंदा है तुम्हानू। Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now, and got it all just figured out. तो गाइस अभी मैं वॉक कर रहा हूँ आरामपुर बीच पर। ये बीच एक्चुअली काफी क्वाइट रहता है, बट बिकॉज ऑफ न्यू ईयर यहाँ का जो माहौल है ना बढ़िया है ना, हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हालांकि धूप बहुत तेज है, मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ वापस अपने होटल में, तो शॉवर वगैरह लेके आऊँ, बट थोड़ा और शूट करते हैं, देखते हैं। इतनी धूप थी यार, मैं क्या बताऊं, बट मजा भी आ रहा है बिकॉज ऑफ 31st। यहाँ पर मैं एक शैक पे आगे लेट गया हूँ और बड़ा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर यार। बहुत दिल से भी वॉक कर रहा था, वीडियो बना रहा था, मैंने और रिलैक्स करा जाए। यहाँ पे अभी एक लाइन थोड़ा ऑर्डर किया है, उसको पिएंगे, इतनी एनर्जी लेके आएंगे, चलेंगे आपको कुछ और दिखाएंगे। इतनी धूप के अंदर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, शायद 31st का डे है इसलिए। बट हाँ, आप लोगों को मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, अगर आप वो आने का प्लान कर रहे हो इस सीज़न में, यू नो समवेयर अराउंड 31st of December, 1st of Jan, 2nd of Jan, तो एक गलती मत करना, अपने गर्म कपड़े मत लेके आना। पता क्या होगा, वरना आप उनको अपने सूटकेस से बाहर निकाल नहीं पाओगे, इतनी धूप है यार। एक बहुत ही अच्छा शेक मिला है, इसका नाम है नमस्ते कैफे, और यहाँ का खाना जो है ना गाइस बहुत ही बहुत टेस्टी खाना है। और मेरे दोस्त भी यहाँ पे आ गए हैं, लेट मी शो यू। एक बार तो हाई कर दो यार व्यूअर्स को, कम से कम इस वीडियो को ना 5000 लोग देने वाले हैं इस बार, ठीक है? तो माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे हमारे ऊपर, ऑल द बेस्ट। यार मेरे दोस्त का ना गॉगल्स गिर गए नीचे, अरे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बट निकल नहीं पा रहा, इसको दिखाते हैं यार। तो दिखा पा रहे इसको आशीन नीचे? लाओ ये देखो, यहाँ गिरा हुआ है। पर आपको बताएंगे कि विच ड्रिंक इज ही लाइक। आई थिंक दिस वन टेस्ट बेटर, लेट मी ट्राई इट। इसको हम बोलते हैं पालक पनीर जूस, इसको बोलते हैं कड़ी जूस। इसमें कमी ये है कि इसमें कड़ी पकौड़ा नहीं है, इसमें कमी ये है इसके अंदर पनीर नहीं है, ये दोनों अधूरे हैं। फिर तो भी मिलवाएंगे हम लोग, तो कैसे ऐसे देखो, आज 31st और ये किस कर रहे हैं, हो गया। शाम हो चुकी है और लाइटें जल चुकी हैं, और आरामबोल बीच पे ठीक मेरे सामने एक फायर शो हो रहा है जिसको एक हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, और वो रशिया से हैं। सो आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस एंड एंजॉय, और मैं भी एंजॉय करूँगा आपके साथ। तो चलो यार, प्रॉपर कैंडल लाइट डिनर यार। इसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको यार डेट पे ले आओ, इससे ज़बरदस्त जगह कोई होगी नहीं यार। बिल्कुल रोमांटिक सा सीन, और सामने सी, अरेबियन सी। भाई लोग आप यू नो मिस कर रहे हो इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, पहले साल का पहला दिन। तो रात का एक्चुअली आपको मैं पार्टी का कुछ दिखा नहीं पाया, बिकॉज हम चले गए थे बागा, और आरामबोल से बागा जाने में हमें लग गए तकरीबन 5 घंटे। इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि यार पूरा जो इंडिया है ना नॉर्थ गोवा में जाके बस गया है। इतनी भीड़, यू नो इतनी हौच पौच, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, और ना मैं प्रॉपरली कुछ शूट कर पाया। तो हमने सोचा कि हम वहाँ से निकल लेते हैं यार। तो वहाँ से निकलने में भी यार जो हमारी बैंड बजी है उस टाइम पर, तो
निकल गए बस किसी तरीके से वहाँ से, और रात को हम लोग 3 बजे पहुँचे हैं अपने होटल पे। अच्छी चीज़ यही हुई जो हमारा जो होटल है बहुत भूखा यार, अच्छी चीज़ यही हुई जो हमारा होटल है ना वो हॉस्टल वाली फीलिंग देता है एक। मैं आपको दिखाता हूँ यार, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं लोगों ने, और पीछे हट्स हैं इनके पास, वो भी दिखाऊँगा, और एक हट में हम भी रह रहे हैं उसके अंदर। तो गाइस आई जस्ट वांट टू शो यू, ये आप पीछे देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग नमस्ते करती हुई औरत। तो ये मेरा हॉस्टल है और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लीन है, यहाँ के रूम भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वॉशरूम। सो द नेम ऑफ दिस हॉस्टल इज सोल, विच इज़ एट आरंपोल बीच, सो यू शुड विजिट हेयर, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो यहाँ पर। होटल से हमने 12 बजे आई गेस चेकआउट कर दिया था, लाइक 12:15। तो उसके बाद किसी ने बताया कि एक पंजिम में एक चर्च है काफ़ी फेमस, लाइक उसका नाम आई गेस लेडी इमैकुलेट चर्च है। बट फिर पंजिम पहुंचे हम 1 घंटे की जर्नी के बाद तो चर्च बंद था। ऑलमोस्ट 1 घंटे की जर्नी के बाद हम वापस आ गए हैं। डॉल्फिन दिखी तो सही बट वो हाफ दिखी, तो था ना इतना पोर्शन, यू नो, बट एटलीस्ट दिख गई यार, और मज़ा आया था, तो वर्थ है 350 रुपये, आना चाहिए आप लोगों को एक बार। एंड गाइज विद दिस, एंड यस गाइज वन मोर थिंग फॉर दिस ब्यूटिफुल सी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस फील सो टाइनी इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही सुंदर बीच है यार ये मीरामार बीच और अरेबियन सी यार, यू नो, अब थोड़ी थोड़ी धूप इस टाइम, यू नो, शाम का टाइम हो गया है। तो यार ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्या फर्क पड़ता है यार।